लंच में आप स्टफ्ड पराठा खाने का वक्त है, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस पराठे के में किस चीज की स्टफिंग है। ये पराठा तैयार हुआ है संजय लीला भंसाली के किचन में, जो अपनी डिश में तड़का तो कुछ और ही लगाना चाहते थे लेकिन ऐसा हो न सका। ये बात है उनकी फिल्म गंगूबाई की, जिसमें आलिया भट्ट हैं, लेकिन उनकी पहली पसंद तो कोई और ही एक्टर थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी, बालों की दो चोटियां और बहुत कुछ कहती आंखें। दीपिका पादुकोण अगर गंगूबाई बनती तो कुछ ऐसी ही नजर आती। अभी कुछ वक्त पहले ही संजय लीला भंसाली ने अपने प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म गंगूबाई का ऐलान किया था और आलिया भट्ट को गंगूबाई के लुक में पेश किया था। लोगों को आलिया का ये लुक खूब पसंद आया और आलिया भी फिल्म की शूटिंग में जुट गईं। लेकिन अचानक गंगूबाई से जुड़ी एक चर्चा ने सबका ध्यान एक बार फिर अपनी तरफ खींच लिया और एक बार फिर संजय लीला भंसाली से दीपिका पादुकोण के रिश्ते पर चर्चा होने लगी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली की पहली पसंद नहीं थी। फिर सवाल ये है कि आखिर भंसाली ने सबसे पहले किसे ऑफर किया था गंगूबाई का रोल? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलिया नहीं बल्कि फिल्म गंगूबाई के लिए संजय लीला भंसाली की पहली पसंद दीपिका पादुकोण थी और उन्होंने दीपिका को ही सबसे पहले ये रोल ऑफर किया था, लेकिन दीपिका ने ये रोल करने से इनकार कर दिया। यानी दीपिका के इनकार के बाद ये फिल्म गंगूबाई आलिया भट्ट के खाते में चली गई। मीडिया रिपोर्ट में ये खबर आई तो सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि संजय लीला भंसाली की अच्छी दोस्त ही नहीं बल्कि उनकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने संजय लीला भंसाली को ना कह दिया। लगाए जाने लगे कि शायद डेट्स नहीं होने की वजह से दीपिका ने संजय लीला भंसाली को इनकार किया होगा। तो वहीं ये भी कहा गया कि दीपिका अपने प्रोडक्शन हाउस को समय देना चाहती हैं, शायद इसलिए उन्होंने भंसाली को ना कहा होगा। कहीं दीपिका की कोई और शर्त तो नहीं थी? सवाल उठे तो मीडिया रिपोर्ट में दीपिका के इनकार की वजह भी बताई गई, जिसके मुताबिक दीपिका ने संजय लीला भंसाली की गंगूबाई को अपनी एक फिल्म सपना दीदी के लिए ना कह दिया। दावे पर गौर करें तो दीपिका विशाल भारद्वाज की आने वाली फिल्म सपना दीदी में एक गैंगस्टर का रोल करेंगी और उसी दौरान संजय लीला भंसाली ने भी दीपिका को गैंगस्टर के रोल वाली गंगूबाई ऑफर कर दी थी, लेकिन दीपिका एक वक्त पर गैंगस्टर के रोल वाली दो फिल्में नहीं करना चाहती थी और यही वजह है कि उन्होंने संजय लीला भंसाली की गंगूबाई को ना कह दिया। चर्चा के मुताबिक सपना दीदी की कहानी सच्ची कहानी पर बन रही है। सपना दीदी मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक ऐसी महिला थी जो अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम को मारकर अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हो सका बल्कि उसकी मौत हो गई। अब जब फिल्म इंडस्ट्री में एक नहीं दो दो एक्टर की गैंगस्टर के रोल वाली फिल्में बन रही हैं, तो ये चर्चा भी अभी से शुरू हो गई है कि लेडी गैंगस्टर के रोल में दीपिका लोगों का दिल जीत पाएंगी या फिर आलिया भट्ट की फिल्म लोगों को ज्यादा पसंद आएगी। और ये देखने के लिए लोगों को दोनों की फिल्म का इंतजार है।